नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन मेडिसिन डिफॉल्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको डाइक्लोटॉल एक्यू इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा। ये जो डाइक्लोटॉल एक्यू इंजेक्शन मार्केट में आता है, ब्लू क्रॉस कंपनी का आता है, 1 ml के एम्पुल पैक में ये मार्केट में आता है। ये जो 1 ml का एम्पुल का पैक मार्केट में आता है, उसकी कीमत रहती है 16 रुपये और 90 पैसे, यानी 16 रुपीज़ या 90 पैसा पर एम्पुल। जो एम्पुल आता है 1 ml का, उसकी कीमत रहती है 16 रुपये और 90 पैसे। तो पूरी जानकारी लेंगे दोस्तों, ये दवा क्या चीज़ के लिए चलती है, इसका यूज़ कैसा करना है, इसका इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। सबसे पहले दवा डॉक्टर के सलाह के अनुसार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए। ये दवा आपके नज़दीकी केमिस्ट के दुकान में, मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएंगे। इसके यूजेस के बारे में देखेंगे तो ये जो डाइक्लोटॉल एक्यू इंजेक्शन मार्केट में आता है, इट इज़ यूज एज एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। ये इसको एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग बोला जाता है, जो कि पेन किलर का काम करता है। आपको जो दर्द है, दर्द में राहत देने के लिए, दर्द में निवारण करने के लिए दवा दी जाती है, जिसको पेन किलर बोला जाता है। दिस इज अ नॉन स्टेरॉयडल ड्रग यूज टू एलिविएट सिम्टम ऑफ आर्थराइटिस। ये जो आर्थराइटिस की आपको शिकायत है, सच एज इंफ्लामेशन, पेन, फीवर एंड स्वॉलोन ज्वाइंट। तो दोस्तों, अर्थराइट की टीज की वजह से आपको अगर कुछ सूजन आ गई है, कुछ दर्द है, या जोड़ों के अंदर दर्द हो रहा है, जकड़न हो रही है, तो उसके लिए भी ये दवा चलती है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कंडीशन सच एज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ओस्टियो आर्थराइटिस, एनकीलोजिंग एंड स्पॉन्डिलोसिस। तो दोस्तों, आपको अगर कुछ अर्थराइटिस की शिकायत है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की शिकायत है, स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, या फिर कुछ सेवर मेंस्ट्रुअल पेन, दोस्तों मेंस्ट्रुअल पेन के अंदर भी यह दवा चलती है। तो आपको जो भी शिकायत है, जो दर्द है, और दर्द में राहत देने के लिए दवा यूज़ की जाती है, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसके कंटेंट के बारे में देखेंगे, क्या कंटेंट कंपनी ने इसके अंदर डाले हैं। इसके अंदर डाइक्लोफेनेक सिंगल कंटेंट है दोस्तों, डाइक्लोफेनेक सोडियम 75 mg। इसके साइड इफेक्ट के बारे में देखेंगे, ये दवा से आपको क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, ये दवा की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, नौसिया एंड वोमिटिंग भी हो सकती है, और भी कुछ साइड इफेक्ट, रिएक्शन, एलर्जी आपको नजर आती है, तो आपके नज़दीकी डॉक्टर से आप मुलाकात कर सकते हैं। इसके डोसेज के बारे में देखेंगे, कैसा लेना है, कैसा यूज करना है। जनरली इसको 2 times in a day ले सकते हैं, दिन में से 2 बार आप इसको ले सकते हैं। डोसेज के लिए आप अपने डॉक्टर का भी सलाह ले सकते हैं। ऐसे ही आने वाले बहुत से प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको जानकारी देते रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।